इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूके SSC स्केलर एग्जाम की जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 24 यानी कि 24वां वीडियो यह होने वाला है। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कोयले की परिभाषा, कोक, कोल तार, CNG और LPG, साथ ही साथ जानेंगे ईंधन की परिभाषा। यानी कहने के लिए आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस दे रखा है स्केलर एग्जाम का, ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हमारे केमिस्ट्री के दो वीडियो और आएंगे जिसमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का भरना और बोर का परमाणु मॉडल, ये बीच में छूट गया था यानी ये दो वीडियोस नहीं आ पाए थे, तो इनके दो वीडियोस हम लेकर आएंगे जिससे आपका केमिस्ट्री का सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो स्केलर एग्जाम की तारीख है वो इंक्रीज हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है, आराम से हम अब जो आपका सिलेबस है ये बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जानते हैं कोयले के बारे में। तो कोयला क्या होता है? कार्बन युक्त प्राग ऐतिहासिक वनस्पति पदार्थ से बना एक काला या गहरा भूरा ज्वलनशील तलछटी चट्टान। देखिए, तलछटी चट्टान की जगह आपको अपसादी चट्टान भी मिल सकता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, कोयला कहलाता है। यानी कोयला क्या होता है? कार्बन युक्त होता है, क्योंकि बहुत पहले जो वनस्पति दब गए थे, है ना, उन्हीं को जब वो सड़ गल गए, तलछटी में जम गए, तो उसी से क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें बनती हैं। काला होता है, गहरा भूरा हो सकता है, ज्वलनशील होता है, तलछटी चट्टान या अपसदी चट्टान, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, कोयला कहलाता है। कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे आपके जो जीवाश्म ईंधन होते हैं अनवीकरणीय होते हैं, यानी इनको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। कोयले का शुद्धतम रूप एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो शुद्धतम होता है एंथ्रेसाइट होता है, ध्यान रखना है। कोयले के अगर बात करें प्रकारों के बारे में, तो ये इसके चार मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, सब विटुमिनस और लिग्नाइट। और कोयले का जो पूर्ववर्ती होता है क्या होता है? पीठ होता है, यानी पीठ से ये चारों प्रकार बनते हैं। तो देखिए, कोयले के प्रकार तो आपको नहीं दे रखे थे, सिर्फ और सिर्फ कोयले की परिभाषा दे रखी थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। साथ ही साथ कोयले के प्रकार अगर पूछता है तो मैंने मोटा माटी आपको चार प्रकार ये बता दिए हैं। और सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये एंथ्रेसाइट होता है। नेक्स्ट है कोक। कोक क्या होता है? कठोर सरंध्र, मतलब कठोर होता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, भूरा काला पदार्थ होता है जिसमें 98% कार्बन होता है, यानी लगभग ये क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है, 98% कार्बन। इसे कोयले को कोमल होने तक गर्म करके फिर ठोस में बदलकर तैयार किया जाता है, यानी पहले कोयले को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, जब वो नर्म हो जाता है तो उसको फिर ठोस में बदला जाता है। कोक को जलाने पर कोयले से कम धुआं निकलता है, यानी जैसे हम कोयले को जलाते हैं तो धुआं ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम कोक को जलाएंगे धुआं क्या होता है, कोयले के मुकाबले कम होता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण तथा स्टील के निर्माण में किया जाता है। किसका? कोक का। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण और स्टील के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है कोलतार। कोलतार क्या है? कोलतार भी एक हाइड्रोकार्बन है और कैसा होता है? काला होता है, चिपचिपा होता है और गाढ़ा द्रव होता है। इसकी प्राप्ति कोयले के आसवन के बाद सबसे भारी अंश से की जाती है। कोलतार की गंध कैसी होती है? अप्रिय, मतलब किसी को पसंद नहीं आती है ना, स्मेल बहुत खराब इसकी होती है। तो कोलतार क्या होता है? जैसे जो हमारा ये पेट्रोलियम होता है उसे जब आसवन कर लिया जाता है, किसका? कोयले का, है ना, तो जो भारी भारी पदार्थ बचता उसी को कोलतार कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है सड़क निर्माण में, संश्लेषित रेशे बनाने में, रंजक बनाने में। देखिए, रंजक क्या होते हैं? जो कलर लगते हैं ना कपड़ों पे या किसी भी चीज़ पे, उसको रंजक कहते हैं। और विस्फोटक तथा पेंट आदि बनाने में किए जाते हैं। ये कोलतार का उपयोग है। बात करते हैं CNG के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये CNG का पूर्ण रूप होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये क्या होता है? CNG का पूर्ण रूप होता है। CNG प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दाब डालने पर बने द्रव को कहते हैं। यानी क्या होता है, जो प्राकृतिक जो नेचुरल गैस होती है उसी को काफ़ी ज़्यादा दाब डाला जाता है, और दाब डालने के बाद क्या बनता है, ये CNG बनती है। इसका मुख्य घटक जो होता है उसी की तरह मीथेन होता है, यानी मीथेन इसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है प्राकृतिक गैस की तरह, और इसमें सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। अगर बात करें इसके मुख्य अवयवों के बारे में, तो देखिए मीथेन तो इसका मुख्य घटक हो गया, साथ इसमें ईथेन
और प्रोपेन भी पाए जाते हैं। सीएनजी क्या होता है, रंगहीन और गंधहीन होती है, बिल्कुल नेचुरल गैस की तरह, प्राकृतिक गैस की तरह रंगहीन और गंधहीन होती है। ये क्या होती है, हवा से हल्की होती है, सीएनजी हवा से हल्की होती है। बात कर लेते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी का जो पूर्ण रूप होता है, ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसे रसोई गैस के रूप में जाना जाता है, रसोई गैस के रूप में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है घरों में खाना बनाने में होता है, घरों में खाना बनाने में। यह क्या है, कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है, जिसका मुख्य घटक क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। यह आपको ध्यान रखना है, उसका क्या होता है, मीथेन होता है, और यहां पे क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अत्यधिक दाब पर यह क्या होती है, द्रव्य बदल जाती है, जबकि वो क्या होती है, गैस ही रहती है, यानी सीएनजी गैस ही रहती है, और ये अत्यधिक दाब पर द्रव्य बदल जाती है। ये हवा से भारी होती है, जबकि सीएनजी क्या होती है, हवा से हल्की होती है। इससे देरी से वातावरण में घुलती है, यानी ये हवा से क्या होती है, भारी होने के कारण देरी से वातावरण में घुलती है, जिससे आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एलपीजी के प्रयोग से ओजोन परत को कोई भी हानि नहीं होती है, यानी अगर हम एलपीजी का यूज करते हैं, जैसे घरों में यूज करते हैं, तो ओजोन परत इससे बिल्कुल सेफ रहती है, ओजोन परत को कोई भी हानि नहीं होती है। इसलिए सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरिक कार्बन के स्थान पर इसका प्रयोग जो है शीतलक के रूप में होने लगा है, यानी जैसे मान लो शीतलक के रूप में पहले यानी किसका होता है, सीएफसी का होता है, तो अब धीरे धीरे क्या है, इस सीएफसी की जगह, क्योंकि इससे क्या होता है, ओजोन परत को हानि पहुँचती है, तो यहाँ पर जो है इस यानी कि एलपीजी का यूज़ होने लगा है। बात करते हैं ईंधन की परिभाषा। वे सभी पदार्थ जिन्हें जलाकर अधिक मात्रा में उसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सके, ईंधन कहलाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें जलाकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सके, उनको क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, जैसे आपने पेट्रोलियम देखा होगा लिक्विड होता है, एलपीजी या आपने देखा होगा सीएनजी ये गैस होते हैं, और ठोस तो आपने लकड़ी वगैरह सारे देखे होंगे या कोयला, ये ठोस होते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, आपके ईंधन हो सकते हैं, जिसके जलाने से अधिक ऊष्मा प्राप्त हो, न्यूनतम धुआं निकले और आसानी से प्राप्त हो सके, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। यानी उत्तम ईंधन क्या होता है, जिसे जलाने से ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त हो, धुआं कम निकले और आसानी से प्राप्त हो सके और सस्ता हो, उसको ही उत्तम ईंधन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, देखिए कोल तार, सीएनजी, एलपीजी जो लास्ट टॉपिक थे केमिस्ट्री के, उन सभी को हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। देखिए बीच के हमारे दो टॉपिक छूटे हुए थे, जिसमें बोर का परमाणु मॉडल था और दूसरा था कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का भरना, यानी कि एन प्लस एल का नियम, या आप कह सकते हैं अफवाह का नियम। वो हम आगे दो वीडियो में आपको मिल जाएगा, कल तक वो आपका पूरे का पूरा ये सिलेबस केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमको लगभग लगभग एक महीना मिलेगा, जिसमें मैं आपको फिजिक्स का पूरे से पूरा कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि देखिए अब मैंने भी वीडियो की स्पीड कुछ कम कर दी है ना, वीडियोज आनी, कभी एक दिन का गैप हो जाता है, कभी एक दिन में एक वीडियो हो जाती है, कभी दो भी आ जाते हैं, क्योंकि जैसे टाइम कम था तो मैं ज़्यादा ज़्यादा वीडियोज ला रहा था, जैसे ही आपकी डेट बढ़ चुकी है तो मैंने थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।